हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तीन तरह से मक्के की रोटी। सो गाइज, आप फुल वीडियो एंजॉय करिएगा। इतनी अच्छे तरीके से मैंने रोटी बनाना आपको बताया है, बिगनर्स होंगे वो भी आप रोटी बनाना सीख जाएंगे। सो गाइज, बच्चे और बड़ों सभी को पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मक्के के आटे को हमने छान लिया है। ये दो कटोरी करीबन आटा है, दो से ढाई होगा बस। और ये सारा आटा देखिए छन गया है और आप देख सकते हैं बढ़िया सा हमारा मक्के का आटा है ये। सो गाइज, देखिए मैंने आधा आटा निकाल लिया है, क्योंकि आधे आटे से मैं दूसरी तरह से रोटी बनाना बताऊंगी और आधे आटे से दूसरी तरह से। सो गाइज, देखिए मैंने आधा आटा निकाल दिया है और इसको हम हल्के गुनगुने पानी से गूंथेंगे। सो गाइज, उंगलियों को छू जाए इतना गुनगुना पानी होना चाहिए। सर्दियों के मौसम में गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें, अच्छे से आटा गूंथ जाता है। अगर हल्का आरओ का सिंपल वाटर हो वो भी चल जाएगा। सो गाइज, आप ध्यान से देखिएगा आटे को किस तरह से गूंदना है। इसका आटे का गूंदने का तरीका ही एक अलग होता है। देखिए, आप हथेली की सहायता से इसको गूंथना है। जितना हथेली की सहायता से आप आटे को गूंथेंगे उतना अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। सो गाइज, इस बात का आप ध्यान रखें, जितनी आपको रोटी बनानी है उतना ही आटा आप गूंथें, क्योंकि अगर आप एक बार में ही सारा आटा गूंथेंगे तो रोटी अच्छे से नहीं बनेगी। सो गाइज, ये देखिए एक लोई हमने ले ली है और पानी की सहायता से देखिए आप उंगली और हथेली की सहायता से हम इसको बढ़ाएंगे। सो गाइज, पानी जरूर लगाइएगा, नहीं तो ये हथेलियों पे चिपक जाएगा। ये देखिए उंगली की सहायता से हमने किस तरह से लोई को बढ़ा लिया है। फिर हम दोबारा से थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको हथेली की सहायता से इसको बढ़ाते जाएंगे। हथेली पे हल्का हल्का प्रेशर दे, रोटी अपने आप बढ़ती जाएगी। ये देखिए, और रोटी बढ़ करके देखिए इतनी हो गई है। सो गाइज, ये देख लीजिए आप, पतली, एकदम पतली नहीं बनानी है, ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। सो गाइज, ये देखिए हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। तवा गर्म हो गया है, उस पर हमने ये डाल दी है। और ये देखिए, एक दो मिनट के बाद हम पलटे से इसको पलट देंगे। ये देखिए, हल्का हल्का हम तवे पर ही सेकेंगे रोटी को, जब तक रोटी का टेक्सचर चेंज ना हो जाए जब तक हम रोटी को तवे पर ही सेकेंगे, क्योंकि तवे पर रोटी अच्छे से सेक जाएगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। और ये देखिए, रोटी का टेक्सचर चेंज हो गया है, तो अब हम इसको चिमटे की सहायता से गैस पर सेक लेंगे। सो गाइज, देखिए गैस पर हम किस तरह से सेकेंगे। बिल्कुल किनारी को देखिए सेकना है, ताकि किनारी कच्ची ना रह जाए, क्योंकि रोटी जो है किनारी से ही ज़्यादा कच्ची रहती है, इस बात का आप ध्यान दें। और हल्का सा उठाते हुए सेकेंगे, नहीं तो रोटी जल जाएगी। सो गाइज, देखिए ये रोटी हमारी परफेक्ट बढ़िया सेक करके एकदम तैयार हो गई है। करारी करारी टेस्टी रोटी है, साग से आप इंजॉय करें। सो गाइज, देखिए दूसरी ट्रिक मैं बताती हूँ रोटी बनाने की। ये देखिए, एक लोई को हमने हथेली की सहायता से इस तरह से बढ़ा लिया है, और एक पॉलीथीन ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे एक दो बूंद। और ये देखिए, पॉलीथीन बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, मुझे आज मिली नहीं थी तो ये थोड़ी सी सिकुड़ रही है, उस बात का आप टेंशन ना लें। सो गाइज, देखिए पॉलीथीन के सेंटर में हम इस लोई को रख देंगे और इस तरह से देखिए आप उंगली की सहायता से बढ़ाएंगे। ये देखिए, सो गाइज आप देख रहे होंगे रोटी हमारी देखिए बढ़ना चालू हो गई है। और देखिए, इसको पन्नी को अब हम गोल गोल घुमाते जाएंगे और रोटी भी गोल गोल घूमती जाएगी। ये देखिए इस तरह से, बिगनर हैं बिल्कुल आराम से आप मक्के की रोटी बना सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा बिल्कुल बेलन हमें इस पे चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा पतली रोटी नहीं करनी है, नहीं तो वो पापड़ सी हो जाएगी, इस बात का ध्यान दें। पन्नी से देखिए किस तरह से रोटी हटानी है, ध्यान से देखें। तवा हमारा गर्म हो गया है, उस पर हम रोटी को डाल देंगे। सो गाइज, देखिए एक दो मिनट के बाद रोटी को पलट देंगे। ये देखिए, रोटी का टेक्स्चर चेंज हो गया है। इस रोटी को भी हम तवे पर ही थोड़ा सा सेकेंगे। हमेशा कोई भी इस तरह की रोटी हो मोटी वाली, तो उसको हम ज़्यादातर तवे पर ही थोड़ा सा सेक लें, फिर आप गैस पर सेकिए आंच पर, तो इससे रोटी कभी भी अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। और ये देखिए एकदम करारी क्रिस्पी बनेगी, ये फूल भी गई है रोटी, आप ध्यान से देख सकते हैं। सो गाइज, देखिए किनारी भी हमारी सिक गई है, रोटी एकदम परफेक्ट सिक के हमारी तैयार हो गई है। सो गाइज, देखिए रोटी हमारी तैयार है। अब हम इधर तीसरी तरह से रोटी बनाना बताती हूँ मैं। एक कटोरी मैंने पानी लिया है पैन में, पानी हमारा गर्म हो गया है और हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें एक कटोरी ही आटा डालेंगे, एक कटोरी है ये मक्के का आटा, एक कटोरी पानी है। और देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा चलाते हुए और इसको 5-7 मिनट तक के लिए हम इसको ढक करके रख देंगे। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से एकदम फूल जाएगा 5-7 मिनट के अंदर ही। सो गाइज, 5-7 मिनट हो गई हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए एकदम आटा हमारा बढ़िया सा परफेक्ट हो गया है। अगर ये गीला लगे तो थोड़ा सूखा आटा डाल लीजिए, और अगर ये सूखा लगे तो थोड़ा सा आप पानी के छींटे डाल सकते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा गरम गरम होगा, बहुत ही आराम से करें आप इसको। हथेली की सहायता से देखिए इसको भी हमें गूंथना है। आटा इस तरह का होता है, जो मक्का बाजरा ये इस तरह के आटे होते हैं, इनको आप हथेली की सहायता से ही गूंदें।
जितना आप हथेली से गूदेंगे उतना अच्छा इसका टेक्सचर और चिकनी रोटी एकदम बन के तैयार होगी। ये देखिए एक लोई हमने इसकी ले ली है और इसको भी देखिए उंगली और हथेली की सहायता से हम इस तरह से बड़ा करेंगे। सो गाइस देखिए रोटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको लगाएंगे सूखा आटा, ये मक्के का आटा ही है, देखिए सूखा आटा हम इस पे लगा लेंगे और ये बिल्कुल रोटी बिगनर्स के लिए है और ये फटाफट से मिनटों में बन जाती है ये रोटी, ये देखिए। अब हम सिंपल जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे हम इसको बेलन से इसको बना लेंगे, ये देखिए बेलन से ही बढ़ाना है लेकिन हल्के हाथ से, इस बात का ध्यान दें हल्का हाथ ही चलाएं। बड़ी है रोटी या छोटी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, वो लोई थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी रोटी एकदम चिकनी सी बनके तैयार हो गई है। तवा गर्म हो गया है और इसको अब हम इस पर डाल देंगे। सो गाइज देखिए इसको भी हम एक दो मिनट तक हम इसको रोटी को डाले रहेंगे, फिर इसको पलट देंगे और इसको भी हल्का हल्का हम तवे पर ही सेकने के बाद फिर हम गैस पर सेक लेंगे। ये देखिए रोटी हमारी कितनी अच्छी फूली फूली बन के तैयार हो गई है। इस रोटी को भी हम अच्छे से सेकेंगे, किनारी सेकेंगे, बीच में सेकेंगे और जलने नहीं देंगे, अच्छे से सेकेंगे। सो गाइज देखिए ये रोटी भी हमारी बनके एकदम तैयार हो गई है, ये सेक गई है रोटी। सो गाइज ये देखिए मैंने तीनों तरह की आपको रोटी बनाना बताया है और तीनों ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से रोटी मैंने आपको परफेक्ट बनाना बताया है। सो गाइज जो भी बिगनर्स हों या फिर आप लोग रोज़ बनाते हों कोई भी, तो आप इस तरह से रोटी बना सकते हैं और इसको देखिए मिक्स साग के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स साग बनाया है आज, इसकी वीडियो डीरामेंट कुकिंग चैनल पे पड़ी हुई है। सो गाइज देखिए आज मैंने तीनों तरह से मक्के की रोटी को बनाना बताया है, जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप मक्के की रोटी को बना करके इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज आप देखिए सरसों का साग, मिक्स साग, पालक का साग, किसी का भी साग बनाएं, मक्के की रोटी हो बाजरे की रोटी हो उसी के साथ ही खाने में मजा आता है। सो गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो गाइज मेरे नए पुराने सारे वीडियो को आप देखें, चटपटी मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी उस पे पड़ी हुई है डी डायमंड कुकिंग चैनल और डी डायमंड कुकिंग शॉर्ट्स पे भी। सो गाइज आप बनाइएगा जरूर, खिलाइएगा जरूर और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।